अखैर घटना ने केरला की रूह तक को हिला दिया है। तो फाइनली दोस्तों, इस साल की मोस्ट कंट्रोवर्शियल मूवी एंड बिसाइड इट आल्सो मोस्ट लवेबल मूवी द केरला स्टोरी अपने 3 हफ्ते कंप्लीट करके 2500 दिन में एंट्री मान लिया और पिछले 3 हफ्तों से रिकॉर्ड तोड़ कमाई अपने खातों में रोज रखते जा रही है और अपने 4थे हफ्ते की स्टार्टिंग भी क्या शानदार तरीके से करी है मान गए। तो आज जानेंगे कि मूवी अभी तक कितनी कमाई कर चुकी है, पब्लिक की तरफ से कैसे रिव्यू मिल रहे हैं, मूवी और कितना कमा सकती है, सब जानेंगे बस कुछ ही देर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना अगर आप भी ऐसे रियल एंड सेंसेशनल कंटेंट के डाई हार्ड फैन हैं तब। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बताना चाहूंगा, किसी ने भी उम्मीद नहीं करी थी कि ये फिल्म इतनी लंबे टाइम तक सिनेमाघरों में राज करेगी। हेटर्स का ये तक कहना था कि अपने 2 दिन या फिर ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते में ही सिमट कर रह जाएगी। मूवी का जब से ट्रेलर आया था लगातार बॉयकॉट हुआ, लेकिन कॉन्टेंट ने, स्टार कास्ट ने और डायरेक्टर से लेकर कास्ट के रोल की सारी मेहनत मिलकर मूवी की सिर्फ लागत ही नहीं निकाली बल्कि सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर मूवी का खिताब भी हासिल किया। क्योंकि जो भी मूवी को देखकर थिएटर से बाहर आ रहा है उसकी रूह कांप जा रही है, क्योंकि ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट इज अमेजिंग एंड प्योर। बहुत सी जगह ऐसे ब्रूटल सीन्स हैं जो बड़े बड़े पर्दे पर अधिकतर फिल्टर करके दिखाए जाते हैं, लाइक कश्मीर फाइल्स जिसमें भयंकर लेवल की ब्रूटैलिटी थी लेकिन उसका 5% भी ढंग से नहीं दिखाया गया। पर इस मूवी में आपको काफी रियलिटी देखने को मिलेगी, इसलिए लोग इसे पसंद भी खूब कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आदा शर्मा के मेन लीड में बनने वाली द केरला स्टोरी कैरेक्टर रोल प्ले के मामले में 1 नंबर चल रही है। यस, साथ ही सपोर्टिंग कास्ट में आपको सिद्धि इदनानी, योगिता बिहानी और सोनिया बलानी जैसे दिग्गज स्टार भी देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, सुदीप्तो सेन के डायरेक्शन में लगभग 35 से 40 करोड़ के टोटल बजट में बनने वाली द केरला स्टोरी एक रियल एंड ब्रूटल इंसिडेंट पर आधारित फिल्म है, जिसने अपने पहले ही दिन एक हिस्टोरिकल ओपनिंग के साथ 8.3 करोड़ की कमाई से खाता खोला था और पहले 3 दिन में ही 35 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन अपने खाते में रखा था। इसी के साथ द केरला स्टोरी ने अपने पहले हफ्ते में ही 81.5 करोड़ से ऊपर का जबरदस्त स्ट्रॉन्ग होल्ड कर लिया था। दोस्तों, इसी के साथ द केरला स्टोरी बॉलीवुड की फीमेल डोमिनेंट में बनने वाली फिल्मों में 1 में अपनी जगह बहुत समय में बना लिया था और साथ ही गंगूबाई काठियावाड़ी, वीरे दी बैडिंग जैसी दिग्गज फिल्मों को खदेड़ा भी था और अभी तक की मोस्ट लवेबल फिल्म बन चुकी है फीमेल सेंट्रिक में। और आंकड़ा अभी भी स्लो डाउन नहीं हुआ था और अपने 2रे हफ्ते में अपने पहले हफ्ते से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड करते हुए रिकॉर्ड तोड़ ग्रोथ करते नजर आई थी। जी हाँ, लगभग 90 करोड़ का कलेक्शन अपने 2nd वीक से बटोरा और अपने 3rd वीक से लगभग 41.75 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन करके और हेटर्स को मुंह तोड़ जवाब देते हुए इस फिल्म ने साबित कर दिया कि बॉक्स ऑफिस के मामले में ये अब किसी के बाप से नहीं रुकने वाली। दोस्तों, जहां इस फिल्म ने अपने 21वें दिन तक 215 करोड़ तक का कलेक्शन कर लिया था, वहीं अपने 22वें दिन में 2.5 करोड़ का कलेक्शन करा था, 23वें दिन में लगभग 4.13 करोड़ का कलेक्शन अपने खाते में रख पाई थी फिल्म और कल यानी 24वें दिन में लगभग 4.44 करोड़ जबकि फासेक जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी जबरदस्त टक्कर दे रही है उसके बावजूद। बात करें आज यानी Day 25 में कैसी ग्रोथ है, तो यस, मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी रेट शानदार होने के साथ और एडवांस में एक मोटी अच्छी कमाई खाते में रखने के साथ आफ्टरनून और इवनिंग में भी काफी सोच अपने खाते में रखते हुए एंड ऑफ द डे शायद से शायद 2.5 करोड़ का बिग कलेक्शन अपने खाते में रख लेगी मूवी, जबकि मंडे वर्किंग डे होने के बावजूद। इसी के साथ टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 227.16 करोड़ से ऊपर एंट्री मान लेगी मूवी अपने लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में और इसी के साथ पठान के बाद इस साल की 2nd बिगेस्ट क्रॉसर मूवी साबित होते जा रही है। दोस्तों, मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी। अगर आप लोगों ने भी द केरला स्टोरी फिल्म देख लिया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? दूसरा, द कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी में बेस्ट मूवी कौन सी लगी आप लोगों को? फटाफट अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा, अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।